सो हेलो फ्रेंड्स, अगेन मैं आपके सामने आया हूँ एक इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो एट प्रेजेंट टाइम टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रही है, और इसी टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए देखते हुए मैं आज आपके साथ एक टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट डिस्कस करूंगा जिसका नाम है वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग नेशन। ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा फ्लोटिंग नेशन होगा जो कि पैसिफिक ओशियन में 2022 तक लॉन्च हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसकी खास बात यह है कि इसकी खुद की गवर्नमेंट होगी और खुद की क्रिप्टो करेंसी वैरियर नाम की इसकी खुद की क्रिप्टो करेंसी भी होगी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज एंड 300 होम के साथ इस नेशन को फ्रेंच पॉलिनेशिया के ताहिती आइलैंड से दूर पैसिफिक ओशियन में इसको बनाया जा रहा है। पेपल के कोफाउंडर पीटर थील के साथ मिलकर बहुत से इन्वेस्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट ने $50 मिलियन खर्च करके इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। ये कहना आसान होगा कि आने वाले 1-2 साल के अंदर 250 से 300 लोग इस फ्लोटिंग सिटी को अपना घर कहना शुरू कर देंगे। बट द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई इट इज नीडेड। रिसर्चर्स का कहना है कि इस फ्लोटिंग आइलैंड प्रोजेक्ट की वजह से लोगों को ट्रेड इश्यू, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बिजनेस वॉयलेशन से मुक्ति मिलेगी, यानी कि जो लोग आज की गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते वो यहाँ जाके रह सकते हैं। और तो और फ्रेंड्स, यहाँ के जो आइलैंड है, ये फ्लोटिंग आइलैंड, इस पर नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी बनाई जाएंगी, जिससे कि बहुत सी कंपनीज यहाँ पे आके लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, यहाँ की पावर बढ़ा सके विदाउट एनी गवर्नमेंट रूल। एक बात तो क्लियर है कि जो लोग आज की राजनीति में घुसना नहीं चाहते उनके लिए ये फ्लोटिंग सिटीज बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होगी। इन फ्लोटिंग सिटीज को बनाया गया है सी स्टडिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये इंस्टीट्यूट क्या है? ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि वाटर बॉडीज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, यानी कि पानी में तैरने वाली चीजों को ये बनाता है और उन पे काम करता है। तो इस फ्लोटिंग नेशन को भी इन्हीं ने बनाया है और अभी इस पे काम चल रहा है। इसके प्रेसिडेंट हैं जॉय कुर्क। उन्होंने कहा है कि 2050 तक वो 1000 आज की फ्लोटिंग सिटी जैसी 1000 सिटीज को देखना चाहते हैं जिसकी खुद की अलग अलग गवर्नमेंट हो। फ्रेंड्स, इससे ये फायदा है कि जो लोग, जैसे कोई आदमी फ्लोटिंग आइलैंड पर रह रहा है, उसको वहां की गवर्नमेंट पसंद नहीं है, तो वो पानी में अपने घर को सेटल करके दूसरे फ्लोटिंग आइलैंड पर ले आ सकता है और उसको इतनी सारी वैरायटीज में गवर्नमेंट मिल सकती है कि वो जिस रूल के अंदर रहना चाहता है वो रह सकता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैंने अभी आपको जितनी भी एडवांटेज बताए ये फ्लोटिंग नेशन के पर्टिकुलर पर्सन के लिए थे, लेकिन हम मेजोरिटी ऑफ पीपल की बात करें तो इस फ्लोटिंग नेशन के और भी बड़े बड़े एडवांटेज हैं। उनमें से एक एडवांटेज ये है कि फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, टाइम के साथ सी लेवल बढ़ते जा रहा है, यानी कि समुद्र में पानी बढ़ रहा है। समुद्र में पानी बढ़ रहा है इसका मतलब फ्लड के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या करा जाए? वैसे तो हमारे पास नेचुरल आइलैंड्स हैं जो कि बहुत सी अधिकतर फ्लड को रोक लेते हैं, लेकिन वो भी कम है। इसके लिए हमें एक मैनमेड फ्लोटिंग आइलैंड बनाने पड़ेंगे जो कि हम ये फ्लोटिंग नेशंस बना रहे हैं। अब जैसे जैसे फ्लड आते जाएगा ये उसको बचाएंगे, उसके लिए मददगार साबित होंगे और फ्लड आने के चांसेस कम हो जाएंगे इस मैनमेड आइलैंड बनने की वजह से। तो इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम इस तरीके के और भी आइलैंड को बनाएं। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही था इस वीडियो का। तो ये कुछ बातें थी फ्लोटिंग नेशन की जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई। फ्रेंड, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जा रही हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम क्रिएट भी कर रही है और प्रॉब्लम्स रिड्यूस भी कर रही है। डिपेंडेंसी ऑन आर्ट्स की हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को हम अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो नॉर्मल सी बात है वो हमको एक अच्छा गेटअप लाके देगी, लेकिन हम उसको गलत तरीके से यूज करेंगे तो हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, देख लेना अपने हिसाब से। बाय।